तो फ्रेंड्स बस अभी आ गई हूँ मैं। फटाफट से मैं पूजा के बर्तन धो लिए हैं सारे। देखिए बिल्कुल साफ़ हो गए ना, कितने अच्छे से चमक रहे हैं। तो बस ये मैंने पूजा के कर लिए हैं बर्तन साफ, और जल्दी से पूजा कर लेती हूँ। और बाहर मौसम ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। और फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी? होप अच्छे होंगे। और देखिए आज बिल्कुल भी ना मन नहीं कर रहा था उठने का, पर जो रूटीन वर्क है वो तो करना ही पड़ता है हम लोगों को। अगर बैठे रहेंगे तो फिर काम नहीं होने वाला। तो मैं भी आ गई हूँ फटाफट से ठंड में, अब पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ना देखती हूँ कि क्या बनाऊँगी। और श्रीमान जी और ऋषि तो चले गए हैं देखिए घर, आज मैं अकेले ली हूँ बिल्कुल। तो फटाफट से देखती हूँ क्या बनाऊंगी अपने लिए। तो चलिए फटाफट से कर लेती हूँ और मौसम भी दिखाती हूँ फ्रेंड्स आपको। बाहर ना, बाहर तो अभी कंटिन्यू बारिश लगी है। देखो अगर मैं आपको दिखाऊँ ना बाहर का जो मौसम है, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप मेरे पीछे, तो कितनी बारिश लगी है ये देखिए, ये देखिए, ये तो हो रही है बारिश। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। तो मौसम फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, रात से बारिश लगी है। बाहर मैं ज़्यादा नहीं जा सकती, गैलरी से ही आपको दिखा रही हूँ ना, क्योंकि बाहर काफ़ी बारिश है। तो बस ये देखिए रास्ता, सामने सड़क है और यहाँ पर गाड़ियाँ हो रही हैं पार्क। तो चलिए चलते हैं अंदर फटाफट से, काफ़ी फॉगी भी है और बारिश भी लगी है। पहाड़ों पर तो बर्फबारी होना शुरू हो गई है। तो भाई बाहर तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। पूजा भी मेरी हो गई है, अब आ गई मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ फटाफट। और ये देखिए ना, ये बनाइए आलू मटर की सब्ज़ी और साथ में बनाइए थोड़ी सी अपने लिए सेवैयाँ। तो बस ठंड में ना थोड़ा सा मीठा मीठा खाने का मन कर रहा था, और ये दूध वाला जो है ना दूध देकर गया था बाहर। और ये देखिए ना, मैंने बोतल के ऊपर बाहर ये नंबर डाल रखा होता, क्योंकि मैंने पूरे वीक के लिए ना इस तरह से बोतल ने लगा रखी होती, और फिर मेरी बोतल एक्सचेंज ना हो जाए इसलिए भी मैंने ये चीज़ ना इसके ऊपर लिख के रखी होती। तो ब्रेकफास्ट तो मेरा हो गया है, अब चलते हैं देखते हैं और क्या बनता है ना मेरे से। तो बाहर तो मैं कुछ भी करने वाली नहीं, आज कपड़े भी नहीं धो सकती इतनी बारिश लगी है बाहर। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज अचार वगैरह था मुझे डालने के लिए वही मैं डाल लेती हूँ। तो मैंने ये आमलेट 2 दिन पहले बॉईल करके रखे हुए थे, और बस उसके बाद ना अभी मैं इनको डालती हूँ। तो चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि आमले का अचार मैंने किस तरह से डाला। और वैसे भी ना आजकल आमले अच्छी तरह से पक गए हैं, जनवरी में अच्छे पक जाते हैं आमले, और टेस्टी अचार बनता है, काफ़ी पौष्टिक होता है। और सारा साल ना हमें वैसे भी आंवला खाना चाहिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, विटामिन सी से भरपूर होता है। तो चटपटा अचार आंवले का मेरा रेडी हो गया है, तो चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। इसके लिए देखिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट ले रखे थे। इसके लिए ले रखे थे 2 चम्मच सरसों, लाल मिर्च, मेथी दाना, कलौंजी, जीरा और मीठी सौंफ, सभी की 2-2 चम्मच है। और उसके बाद जो है 1 पिंच इसमें हींग डालने वाली हूँ और राई डालने वाली हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इनको थोड़ा थोड़ा सा भून लूँगी, और उसके बाद इनको दरदरा सा मिक्सी में पीस लूँगी। और आंवले तो ये देखिए मैंने 2 दिन पहले ही पानी में नमक डालकर उबलते हुए पानी में इनको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और उसके बाद इनको निकाल कर 2 दिन मैंने बाहर छोड़ दिया था। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे हो गए हैं, इससे करस्सापन जो है ना इनका वो निकल गया है फ्रेंड्स। और ये मैंने ले ली है कढ़ाई, इसमें गर्म कर लिया तेल, और उसमें सबसे पहले डाल दी मैंने सरसों, फिर डाली मैंने मीठी सौंफ, और ये होगी इसमें कलौंजी, और ये जो दरदरा मैंने मसाला पीसा था ना मेथी पाउडर, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। सारे मसाले ना थोड़े थोड़े से पका लूँगी मैं, और इसके बाद थोड़ा सा हिलाने के बाद देखिए इसमें ये सारे जो मसाले हैं उनको दरदरा पीस कर मैंने इसमें ऐड कर दिया, ये भी चला लिया। और उसके बाद इसमें लाल मिर्च भी डाल दी ताकि थोड़ा सा चटपटा बन जाए। वैसे तो मैं इसमें हरी मिर्च भी ऐड करने वाली हूँ, और ये हल्दी हो गई इसमें, अच्छे से कलर आ जाए इसमें हल्दी का। तो ये नमक, तो नमक जितनी आपके पास आंवले ना उतनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही इसमें मैंने डाले हैं। तो मेरे आंवले 1.5-2 किलो के करीब करीब हैं। और ये हो गया हींग, और थोड़ी सी इसमें मैंने देगी मिर्च डाली है ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए इसमें अच्छा सा। और ये थोड़ी सी डाल दी थी मैंने इसमें हरी मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च थी इसलिए इतनी ही डाली है, बाद में और भी डालना चाहे तो और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, गैस मैंने ऑफ कर दिया है क्योंकि मुझे इतना कर ही इनको पकाना था, नॉर्मल सा पकाना था। और उसके बाद मैंने सारे के सारे जो आंवले हैं धीरे धीरे इसमें ऐड कर दिए, और उनको मिक्स करती गई ताकि मसाला जो इसमें अच्छी तरह से कोटेड हो जाए सारे आंवलों के ऊपर। और बस इस तरह से मिलाने के बाद ना फ्रेंड्स इसको ज़्यादा देर के लिए हमें मतलब कि एकदम सीधे जो है किसी भी जार में नहीं डालना है, 2-3 घंटों के लिए छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। अगर आप ओवरनाइट भी छोड़ना चाहें तो उसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, बट मैंने 4-5 घंटों के लिए इनको छोड़ दिया है। मिक्स देखिए हो गए, अच्छे से कलर भी अच्छा आ गया, और काफ़ी चटपटा अचार बना है, और आंवले तो सभी के फेवरेट होते हैं।
तो ये लीजिए मेरा हो गया है रेडी, और तब तक ये हो रहा है मेरा ठंडा, तब तक फ्रेंड्स ये देखिए मैंने हरी मिर्च का जो अचार है ना, चटपटा अचार, वो भी मैंने बना लिया है। इसमें मैंने अदरक और लहसुन डाला है, बाकी सेम प्रोसेस मेरा रहा इसको भी डालने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का। और फ्रेंड्स देखिए, अभी ना सारे काम निपटाने के बाद फिर से आ गई हूँ रजाई में। रजाई आज मैंने फोल्ड ही नहीं की है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, और इसीलिए बस सारे काम जितने भी थे वो निपटा लिए मैंने, और अब आके बैठ गई हूँ। वैसे भी बाहर तो जा नहीं सकते, बाहर बारिश लगी है कंटिन्यू, तो बस इसलिए सोचा ना कि थोड़ा सा अपना जो स्कूल का काम है उसको निपटा लूँ। रिजल्ट वगैरह बनाने को था वो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि अभी हमारे एग्ज़ाम्स चले हुए थे FA4 के, तो बस वही सारा था, पेपर वगैरह मैंने चेक कर लिए, बस उसका जो मार्क लिस्ट है वो मैं अभी फाइनल कर लेती हूँ, ताकि मेरा काम जल्दी जल्दी निपट जाए। तो बस इसलिए भी थोड़ी सी बिजी रहती हैं, आपको बताइए फ्रेंड्स कि ये सारे काम जो है ना एक साथ करना कितना टफ रहता है, पर चलिए फिर भी कोशिश करते रहते हैं, और इसी कोशिश में अगर आप लोग भी सहयोग दें तो फिर तभी कुछ हो पाएगा। तो प्लीज़ इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ब्लॉग थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए फटाफट से मैं भी बना लेती हूँ, और तो अभी कुछ भी नहीं है खास, और जो मेरे फ्रेंड्स, जो मेरा YT परिवार मुझे सपोर्ट करता है, उसका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार, अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखेगा, आपके सपोर्ट से ही हम लोग हैं, अन्यथा तो आपको पता ही है कि YT के ऊपर, YouTube के ऊपर अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो चाहे कितना बड़ा भी यूट्यूबर क्यों ना हो वो खड़ा नहीं रह पाता। तो बस इसलिए आप लोग सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार इसी तरह बनाते रहिए। तो चलिए फटाफट से मैं बना लेती हूँ फ्रेंड्स अपनी मार्क लिस्ट। तो 2-3 घंटे हो गए हैं, और आंवले भी अच्छी तरह से देखिए ठंडे हो गए हैं, और अब हम इन्हें कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने ये कंटेनर ले रखा है, अच्छी तरह से धोकर धूप में सुखा कर रखा हुआ था, और बस सूखे हुए में ही डालने, नहीं तो अचार जो है ख़राब हो सकता है। इसलिए जब भी हम कोई भी कंटेनर लें, प्लास्टिक का लें चाहे कांच का लें, तो उसको अच्छी तरह से धोकर सुखा लें, और उसके बाद फिर देखिए मैंने फ्रेंड्स इसके ऊपर मैंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। आपको भी अगर रेसिपी इसकी अच्छी लगी ना तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और देखिएगा कितना चटपटा अचार बना है। तो चलिए अचार मेरा बन चुका है, और चलते हैं, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।